मलाना मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैंने एक ट्रिक सीखी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हम लोग कंपनी को स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने के बाद क्या होता है कि लास्ट ईयर के अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री है या परचेस एंट्री है या पेमेंट वगैरह एंट्री है, तो उस एंट्री को करने के बाद हमें जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है उसको हमें मैन्युअली पार्टी के लेजर को ओपन करके उसमें ओपनिंग बैलेंस मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है। बट आप चाहते हो कि आपको मैन्युअली अपडेट नहीं करना है, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक ट्राई की है, तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हो। बट मेरा एडवाइस यही है कि आप जब भी उसको ट्राई करें पहले अपने डेटा का बैकअप ले और उसको ट्राई करके आप अपना प्रॉपर जो बैलेंस शीट पीएल अकाउंट जो भी रिपोर्ट वगैरह चेक करना है उसको आप प्रॉपर एक बार चेक कर लें। तो ये किस तरीके से काम करेगा इसका मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये मेरी एक कंपनी है जिसमें मैंने कंपनी को स्प्लिट किया है और ये जो मेरा करंट कंपनी है उसमें मेरा अभी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो स्प्लिट करने के बाद जो भी मेरा बैलेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो मेरा ओपनिंग बैलेंस में आ चुका है, मैं आपको दिखा दूँगा। जैसे कि संडे डेप्ट क्रेडिटर में 47,600 दिखा रहा है, कैसिन 16,800 दिखा रहा है, ठीक है, और असेट में लैपटॉप का 20,000 दिखा रहा है। तो सेम चीज़ मैं आपको जो मेरी करंट कंपनी जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है वो मेरा सारा का सारा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आ चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, लास्ट ईयर के जो मेरे कंपनी है उसमें मैं दो चार ट्रांजेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम लोग एक असेट की परचेस की एंट्री भी करते हैं। और एक पेमेंट की एंट्री भी कर लेते हैं। तो अभी इसके हिसाब से जो मेरा अभी बैलेंस शीट है सेम बैलेंस शीट मेरा अपडेट हो जाना चाहिए। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, लेजर्स में, और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे जाना है, करंट में जाना है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और ये जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन ओपनिंग बैलेंस उसको एंटर से यस कर देना है, ठीक है, इतना आपको सेट करना है। और आपको फाइल फॉर्मेट में जाके XML डेटा इंटरचेंज वाला ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसको फिर आपको सेंड करना है। सेंड करने में ध्यान रखना है कि आपको कौन से फोल्डर पे जा रहा है, वो यहाँ पे आपके पास पाथ रहेगा, पाथ आप यहाँ से मैन्युअली चेंज कर सकते हो आपको जो पाथ पे चाहिए। तो यहाँ से इसको आपको सेंड करना है, तो एक मास्टर करके एक फाइल जनरेट होगा master.xml और इस पाथ को फिर कॉपी करना है। मैं यहाँ पर उसका पाथ देख के इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरी करंट कंपनी है उसमें फिर से मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूं। तो ये बैलेंस शीट मेरा अभी अपडेट हो जाना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको उसके हिसाब से ये ओपनिंग बैलेंस अपडेट हो जाना चाहिए। तो अभी यहां पे आपको जाना होगा इंपोर्ट में, मास्टर में, यहां पे आपको कंट्रोल वी से पाथ सेट करना है और यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन है मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, इसको सेव कर देना है। तो अभी हम लोग जो बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं हमारा जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो 96,000 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप 30,000 क्लोजिंग स्टॉक का आपको मैच करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो लेजर है उसको हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, तो स्टॉक की वैल्यू में ओपनिंग बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अभी जो अपडेट होगा वो हमारे जो भी लेजर हो गए वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, तो आपको उसका थोड़ा डिफरेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बट जो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लेजर 30,000 आ रहा है, कैश 15,800 आ रहा है और जो क्रेडिटर्स है वो 76,000 आ रहा है। तो सेम चीज़ अगर हम लोग करंट वाली कंपनी में अगर जाके चेक करते तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस अपडेट दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो कि 76,000, लैपटॉप 30,000, कैश 15,800। स्टॉक का डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस किया है वो सिर्फ और सिर्फ लेजर का किया है, इन्वेंटरी का नहीं किया है। अगर आप इन्वेंटरी का अपडेट करोगे तो भी वो भी हो जाएगा, बट मैंने उसका ट्राई नहीं किया, उसको भी मैं ट्राई करके चेक कर लूँगा। अगर वो भी अगर सक्सेसफुल होता है तो उसको भी हम लोग अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो भी आपकी कंपनी है उसकी क्लोजिंग बैलेंस उसको आप एक्सपोर्ट करके कोई नई रनिंग कंपनी में आप उसको इंपोर्ट करके उसको जो भी लेजर के ओपनिंग बैलेंस है उसको आप अपडेट कर सकते। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, आप लोग को मेरे बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिप्स और नए के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।